नमस्कार विद्यार्थियों, धोरण 10 विषय हिंदी पाठ 8 सुधा मूर्ति संकलित यानी कि सुधा मूर्ति लिखित पाठ जोशु आपे के सुधा मूर्ति जे छे ए पेला तो कोण छे, तो के भैया स्त्रियों नी बात करिए तो स्त्रियों माटे एक प्रेरणादायक स्वरूप छे जोवा मळे छे। पोते जे छे ए बाळपणथी ज खूब ज मेघावी छोकरी कही शकाय छे, खूब तेजस्वी अने क्यांय पण हार न माने एवी छोकरी हती। हवे आजे आपणे जे छे ए सुधा मूर्तिना जीवन विशे थोड़ी घणी वात करशुं। स्त्रियों माटे प्रेरणारूप हती तो केवी रीते हती, ए पोतानुं जीवन छे केवुं हतुं, एनुं बाळपण छे केवुं हतुं, युवावस्था अने त्यार पछी वृद्धावस्था, सुधा मूर्तिनुं जीवन छे टूंकमां केवुं जोवा मळे छे एनी वात छे आजे आपणे करवाणी छे। हवे अहींया छे आपणे पाठ आપવામાં આવ્યો છે સુધા મૂર્તિ। સુધા મૂર્તિ મહિલાઓ કે લિયે પ્રેરણા મૂર્તિ, સુધા મૂર્તિ महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सुधा मूर्ति यह बात कहना चाहते हैं कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, जो ठान लेती है वह करके दिखाती है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन करने के क्षेत्र चिकित्सा लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। सुधा मूर्ति ने सर्वप्रथम एक इंजीनियर कंपनी में काम किया, इसके बाद वो संशोधन तकनीकी क्षेत्र में कार्य किया, उसके बाद वो लेखन की ओर आगे बढ़ी और उनका जीवन बड़ा रश्मय और समाज के लिए योगदान पूर्वक रहा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण के रूप में भी बात की जाए तो सुधा मूर्ति एक प्रेरणादायक स्वरूप देखने को मिलता है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती। इस पाठ में भी यह बताया गया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य करना कोई भी सीमा नहीं है, वो जो धारती है वो कर सकती है, वह कार्य कुशलता धराती है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया यहाँ स्त्रियों पर, स्त्रियों के लिए क्या कार्य सही है क्या नहीं है इसकी बात की गई है। इस कृति का यह संदेश है कि झांकी और लिंग के बीच कोई भेदभाव न किया जाए। यहाँ संकलित जो सुधा मूर्ति पाठ में भी इस बात का ही ख्याल दिया गया है कि जाति लिंग में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष वो समान है। किसी भी कार्य हो कि भाई कोई कार्य है स्त्रियां नहीं कर सकती पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसी बात कभी करनी चाहिए नहीं, सभी समान है, इस बात को यहाँ संकलित किया गया है। हवे पाठ में आपणे आगळ वधता पहेला आपणा जे कठिन शब्द छे पाठनी अंदर ए जोई लेशुं के परिसर यानी कि आंगण प्रांगण, विज्ञापन जाहेरात एडवर्टाइज, पेशकस प्रस्तावना, साक्षात्कार मुलाकात इंटरव्यू, आवेदन यानी कि अर्जी एप्लीकेशन, त्याग पत्र राजीनामा इस्तीफा, मेघावी तेजस्वी बुद्धिशाली। हवे अहीं अमुक मुहावरा छे कि बात न पचना यानी कि अविश्वसनीय होना अथवा तो जी बात गले न उतरना, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बस की बात न होना, असमर्थ होना। हवे आपणे आपणा पाठ में आगळ वधीए। एप्रिल 1900
जी मजेदार की बात है, बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में मुगल गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। 1974 की बात छे के बेंगलोर में खूब गर्मी पड़ती हती अने भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर यानी कि आंगणे सरस मजानु ए गुलमोहरनु मोटा मोटा छे वृक्षों छे जोवा मळता था। एवा सरस मजाना ए लाल रंग जे छे लाल रंगना छे फूलो छे झूमी रह्या हता। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे विज्ञापन पर पड़ी। हवे जे कंप्यूटर विज्ञान कक्षाना जे विद्यार्थीओ छे એ પોતાનો અભ્યાસ છે પૂર્ણ કરી અને હોસ્ટેલ તરફ આગળ વધતા હતા। એમાંથી એક જે વિદ્યાર્થીની છે એની નજર છે એ નોટિસ બોર્ડ ઉપર જે એક એડવર્ટાઇઝ છે એ લગાડેલી છે એની ઉપર પડે છે। યહ વિજ્ઞાપન પ્રસિદ્ધ ઓટોમોબાઈલ કંપની ટેલકો યાની કે ટાટા કી ઓર સે નોકરી કે ઈચ્છુકો કે લિયે આ જાહેરાત છે। એ કોના માટે હતી તો કે યહ વિજ્ઞાપન પ્રસિદ્ધ ઓટોમોબાઈલ ટેલકો યાની કે ટાટા કંપની આપણે નામ સાંભળેલું છે ટાટા જમશેદજી। હવે એ જે એડવર્ટાઇઝ છે એ આ ટાટા કંપનીની હતી એન્જિનિયરિંગ પદ માટે કે જે પણ ઈચ્છુક હોય એ લોકો એમાં આવેદન છે આપી શકે। જે લોકો નોકરીની ઈચ્છા રાખતા હોય નોકરી કરવા માંગતા હોય અને એને ઈચ્છુક પદવી છે જે ત્યાં જાહેરાત છે એમાં કે ભાઈ જે ડિગ્રી છે ધરાવતા હોય એ લોકો એમાં એડવર્ટાઇઝ છે એમાં પોતે છે આવેદન પત્ર છે આપી શકે છે। કંપની કો યોગ્ય ઓર પરિશ્રમ એન્જિનિયર કી આવશ્યકતા કંપનીને જે ખરેખર મહેનતુ અને હોશિયાર એવા ઇન્જિનિયરની જરૂર છે। चौकन वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन पत्र सरस मजा लगायेलू छे कि भैया परिश्रमी इंजीनियर की जरूर छे पर एमा एक नीचे नानकड़ी एवी लीटी छे लखेली छे कि भाई स्त्रीओ छे आमा अरजी करी शकशे नहीं। उसने एक बार नहीं दो बार હવે આ વિદ્યાર્થીની જે છે એ આ જે નીચે નાનકડા એવા અક્ષરથી લખેલી છે કે સ્ત્રીઓ જે છે એ આમાં આવેદનપત્ર ભરી શકશે નહીં આ લીટી જે છે એ આ વિદ્યાર્થીની એકવાર નહીં પણ બે વાર વાંચે છે ધ્યાનથી વાંચે છે। હા એવું તો લખા હતા કે કંઈ મારું વાંચવામાં ભૂલ તો નથી થતી ને એ બીજી વાર વાંચી રહી છે પણ ના એમ જ લખેલું હતું। ઉસે નોકરી કી કોઈ આવશ્યકતા નહીં થી क्योंकि उसे विदेश से स्नातक परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। अबे आज ये विद्यार्थी छे ने अत्यारे नौकरी करवानी कहीं जरूर छे नहीं आम पर इन्हें उच्च अभ्यास माते विदेश माथी डिग्री माते इन्हें आमे पर पोताना भनवाना खर्च माते इन्हें शिष्यवृत्ति छे ये मरवानी होती छे पेशकश यानी कि प्रस्ताव ने छात्रवृत्ति माटे प्रस्ताव छे विरोध हतो वह स्वयं ही विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती एनी पण इच्छा हती के पोते छे विदेश मा जाय अने ऊंचो अभ्यास छे आगळनो अभ्यास छे पोते करे परंतु यहां यह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उसे कुछ बची नहीं पण अहीं जे स्त्री पुरुष वच्चेनो भेदभाव આ વસ્તુ છે એના ગળે વીંટળી ને વહ અપની કક્ષા મે હંમેશા પ્રથમ સ્થાન પાતી આઈ થી ઓર કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન કી કક્ષા મે પુરુષ સહપાઠીઓ મે અકેલી લડકી થી હવે પોતે જે છે એ હંમેશા એના ક્લાસ માં ફર્સ્ટ જ આવે છે અને પોતે જે છે એના સહપાઠીઓ ની સાથે અભ્યાસ કરતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમાં એકમાત્ર છોકરી હતી જે કમ્પ્યુટર વિભાગમાં યોગ્ય ભી થી પરિશ્રમી ભી થી પોતે એ પદને યોગ્ય પણ હતી અને પરિશ્રમી પણ હતી નહીં ઉસે કુછ તો કરના હી હોગા વો પોતે વિચારે છે કે નહીં આ મારે કાઈક તો કરવું જ પડશે ઇસ ભેદભાવ કો સહના ઉસે બસ
की बात नहीं, वह इसका विरोध करेगी, तो डट कर करेगी। मुझे विचारी लिए छे कि हम हमारे कई तो करू पड़ से ने आनो विरोध पोते कर से ने आनी सामे लड़ से एवं पोते मन में नक्की कर लिए छे। आज आपने छे अहीं सुधी राखी छे, अगर मुझे छे ये आगे ना पीरियड में जोशू।